गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मेरा चैप्टर था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पढ़ा था हमने, ट्रांसवर्सल पढ़ा था, ठीक है, ट्रांसवर्सल को पढ़ा था, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आए थे वहां पर, हम लोग क्या पढ़ा था, फिर हम लोग ने उसमें पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होता है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, और देन पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। कुछ समथिंग हमने कुछ प्रॉपर्टी कुछ रूल भी बताए थे उस बेसिस पे। क्या था इस चीज को आप याद रखिए, क्योंकि हायर स्टडीज में हायर क्लास में ये सारे बेसिक में काम आएंगे, और उसको ध्यान दीजिएगा। इसको बहुत अच्छे से आप अपने नोटबुक पर मेमोराइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। उस बेसिस पे हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और नोट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि एल और एम पैरेलल है, ये एंगल आपका 55 है और ये एंगल 125 है, इसमें आपको एंगल 1, 2 और एंगल 3 का वैल्यू निकालना है। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो एम और एल एक पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंगल बना हुआ है, जिसमें एंगल 130 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है आपका 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। तो देन क्या करना है, एंगल 2 से लेके एंगल 8 तक, ध्यान दीजिएगा, एंगल 2 से लेके एंगल 8 तक सारे एंगल का आपको वैल्यू बताना है। फिर आपको आता है तीसरा क्वेश्चन, इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, एक पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, पी आर ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 70 डिग्री है, ये एंगल वाई है, ये जेड डिग्री है, ये एक्स डिग्री है और ये 100 डिग्री है। इस क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। चौथा क्वेश्चन आता है, जिसमें से दो पैरेलल लाइन है और दो इंटरसेक्ट करता है, एक एंगल जो है 55 डिग्री का है, ए बी सी और डी, ये एंगल आपको क्या करना है, बताना है कितने का होगा। उसके बाद आते हैं, दो पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल सी डी के हैं, इसमें दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसमें से आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देन क्या करना है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, जिसको खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप अपने नोटबुक पे इसको बनाइएगा। देन कोई भी अगर प्रॉब्लम होता तो उस क्वेश्चन को आप क्यूरी में डालिएगा और फिर साइड से जाकर आपको उसका सॉल्यूशन निकाला बता दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।